की रोड मैंने भी बोला कौन सी जगह है और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? जनाब मेरा नाम खजर मोहम्मद बाबा है, हम इस वक्त बुरजाहमा में हैं। हमारा सर मसला ये है कि ये सड़क लगभग यहाँ 30-25 गांवों को मिलाती है। यहाँ ये इस वक्त ये आते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले, सड़क के बीच में ये लगाते हैं पोल, जिससे हमें एक्सीडेंट का खतरा है। अगर किसी जगह 30 फुट सड़क है, 24 फुट सड़क है, इधर 12 फुट भी नहीं है। हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें कम से कम इधर एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए सारे लोग जमा होते हैं। लेकिन ये हमें डराते हैं RNB ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले, नहीं हम आपको केस करेंगे, थाने में ले जाएंगे। क्यों करेंगे थाने में? क्यों? इनको ये मार्च की बिल निकालनी होती है, ज़रा वो देखें कितना सड़क की स्पेस कितनी होनी चाहिए। अगर 20 फुट सड़क है, 15 फुट में क्यों पोल लगा देंगे? क्योंकि इसमें किसी किसी जगह अवार्ड ने भी लिया है लोगों ने, उन्होंने इंक्लोजमेंट की है, वो इंक्लोजमेंट हटाएं कम से कम उस जगह जहाँ पर लोगों को दिक्कत ना आए। मसला सर इतना है, अगर देखा जाए यहाँ पर अभी 12 फुट की सड़क लग रही है जनाब, आप ही जबकि अगर देखेंगे ये 27 फुट होनी चाहिए थी। जनाब आप मौके पे हैं इस वक्त, आप देखिए, हम इसीलिए उनको रुका रहे हैं कि कम से कम मत दे दो। वो हम सिर्फ दमकाते हैं सिर्फ महले गांव वाल तमाम गांव वालों को। अब सर लोग रोज रोज मत निकल लेंगे पड़ोसी के खिलाफ, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले वही उनको अपने मार्च का बिल निकालना होता है, लगा दो पोल। इधर ट्रांसफार्मरों की हालत देखिए, उनको नहीं देखते हैं। तो उसमें कितनी स्पेस लगती है? यहाँ पर तो लगता है कि गांव वालों ने ही खाया है सब कुछ। नहीं सर, गांव हाँ उनकी ड्यूटी है, वो देखेंगे कहाँ तक खाया है। गांव वालों ने निकाले, हम कहाँ बोलते हैं, जहाँ इंक्लोजमेंट है निकाले, सड़क 24 फुट बनाए, 20 फुट का अवार्ड जहाँ लिया है निकाले, मेरे घर के सामने हो तो निकालिए। अगर 24 फुट है, इधर 15 फुट क्यों है? वो आज 15 फुट के अंदर अंदर पोल लगा देंगे तो जाएंगे कहाँ लोग? ये जो ये चौक है इधर सर, इधर मस्जिद है, इधर दरसगाह है, इधर राशन डिपो है, इधर अस्पताल है, सारे लोग इधर जमा होते हैं। 20 गाँव का रास्ता है, चौरा है, ये आप देख लीजिए सर, ये हमारी प्रॉब्लम है। ये खुदा न खास रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट, कभी कुत्ता, कभी गाय, कभी। डिमांड ये है कि 27 फुट की सड़क होनी चाहिए, 24 फुट सर, 24 फुट जहाँ पिलर लगे हैं इन्होंने लगाए हैं, डिपार्टमेंट RNB ने लगाए हैं, ऑलरेडी उन्होंने निशान लगाया है कहाँ से कहाँ तक सड़क है। इधर 14 फुट क्यों हो जाएगी? जहाँ जहाँ ये है वो उनको निकाले, पोल उसके अंदर दे दीजिए। जहाँ मेरा घर भी इधर ही सड़क पर है, मेरे आंगन में लगा दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। मैंने क्यों खाया है माले वालों का? ये थोड़ा एक का होता है। हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के साथ साथ ये भी देखना है कि नमाज कहाँ तक जाएगी, जहाँ लोगों को हम तकलीफ देंगे वो नमाज कहाँ पहुँचेगी? देखो ये बुरजहमा है और मेरा नाम मुजफ्फर है। आप खुद देखिए ये रोड जो जा रहा है, ये पूरे इलाके लगभग जिसमें 30-40 गाँव कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ मेन चौक जो है वो 12 फुट का है, और जो दाएं बाएं सड़क है वो 27 फुट की है, लेकिन जो मेन चौक है वो 12 फुट की है। अब इलेक्ट्रिक वो भी 27 फुट का होना चाहिए। अगर इंक्रेजमेंट हुई है तो डिपार्टमेंट को आना चाहिए और वो इंक्रेजमेंट खत्म होनी चाहिए। और आप देखिए अब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आ रहा है, वो 12 फुट में वो पोल लगा रहे हैं, फिर हम जाएंगे कहाँ? फिर यहाँ कोई मतलब ट्रांसपोर्ट तो जाएगा ही नहीं। ये प्रॉब्लम ये खाली एक आदमी की, पंजाब का भी बंदा होगा उसकी भी यही प्रॉब्लम है। ये ब्लाइंड, ये कॉर्नर है और ये पूरा ब्लाइंड है। अब देखिए आप इसको ये वीडियो कीजिए, अब देखिए ये कितना है, ये 12 फुट है अभी, ये जबकि 27 फुट होना चाहिए।